अज सवेरे ही सो जानी ना बेटे तू मम्मी 9:30 हो गए आ तू की लिख आ की लिख के भेजे तू मैं तो समझ गया कुछ यह भी मैं ये वाला ओवर टाइम मिल गया ना यह टाइम है मम्मी 1806 बजे शाम दे 18 हुंदा ना अच्छा 1800 लिखे अच्छा 11 बजे नु 23 कहंदे काउंट कर लो अच्छा अच्छा अभी अच्छा भी 23 बजे तक मतलब है 1700 1500 आए जी है ना 1500 3 बजे दिन दे हां रोटी पानी खा लिया ठीक ठाक है अज मैं थोड़ा जा लेट उठिया सीगा ठीक ठाक बेटे हाँ मम्मी पता नहीं क्या बोल रही हाँ जी करके पता नहीं क्या थोड़ा जा लो फील हो रहा थोड़ा जा लो फील हो रहा लो कितने आई टिल्ला जा बुखार तो नहीं लग रहा दंद दुख रहा गा बस मेरा दंद दुख रहा दंद तो नहीं मैं हिला लिया सीगा फड़ के इसलिए दुखन लग गया ओदा लोग ओदा करके सिर दुखन लग गया दंद नाल ना शायद हां मैंने की लोड पाकिस्तान दंद वाला आउंदी उन्हीं छेड़ लिया बैठी बैठी ने मैंने मैंने ले ये दंद फिर उन निकलूगा तो फायदा फिर दोबारा आना भी नहीं मुड़ के ओ कड़ा निकल नाला मम्मी ओ तो स्वेलिंग होगी उथे ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਦੰਦ ਤੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਸੋਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜੇ ਕਿ ਖਾਦੇ ਤੇ ਚੌਂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਸ਼ਗਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਵਾਰੇ ਘਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਟੂਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਵਾਰੇ ਘਾੜ ਦੀ ਬੰਦ ਤੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਈ ਹਲੇ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਾਲੀ ਖਾਈ ਖਟਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈ ਖਟਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ Hey guys, good morning. Today is 24th of November. Aaj Wednesday hai. I'm not feeling very energetic today. I don't know why. I just wake up half an hour late. And now I'm feeling very low. It's a headache and everything. Also, one more thing. There's a toothache. This side is all swelled and it's paining. Then aisa hai, if you can see. Abhi is ped pe itne hi patte reh gaye hain ki hum count kar sakte hain. पर ये एक ड्रास्टिक चेंज है गाइस कि लास्ट वीक के इस पेड़ पे इतने ज़्यादा थे और अभी कुछ भी नहीं आपने देखा कि ठंड का जो है वो अमाउंट कैसे चेंज हुई है यहाँ पे सूरज निकलने का धूप आने का कोई फ़ायदा होता नहीं है बस इतना है कि आपको दिन सुंदर दिखने लग जाता है और रोशनी आ जाती है बाकी ठंड उतनी होती है ऐसा नहीं है कि सूरज की किरणें आ रही हैं तो आपको थोड़ा गर्म फील होगा
सो आज तबीयत थोड़ी थोड़ी सी डाउन है, ठंड भी लग रही है, और प्रॉब्लम जो मेरे लिए चिंता वाली बात है वो ये है कि आज मेरा ओवर टाइम है और मेरी शिफ्ट 14-15 आवर्स की है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। कई लोगों को पसंद होते हैं कि दूध ज़्यादा हो, मुझे लिक्विड ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसे है कि दूध कम हो। लेट्स काउंट द लीव्स। मुझे ऐसे नहीं पता मैं इस पेड़ के पीछे क्यों पड़ी हूँ इतना, बट लेट्स काउंट द लीव्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I am much parked now, so I'm going to park. Just एक walk है वो, इसलिए क्योंकि आधे घंटे में से 10-15 मिनट तो मैंने पैकिंग में ही निकाल दी है खुद की। टेक्निकली ये मेरी लंच ब्रेक है, पर ये बहुत जल्दी है तो लंच मैं लास्ट ब्रेक में करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 25th of November। कल ओवर टाइम था और 14-15 घंटे की शिफ्ट थी और इतना कोई वीडियो नहीं बनी, एंड आई वॉज सुपर टायर्ड। और आज सुबह फिर 7 बजे काम है और नींद 6 से नहीं पूरी हुई कुछ भी। और अभी मैं बाहर आई थी थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए और बाहर देखा तो बारिश आ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है और गंद मचा पड़ा है। ये टाइम 6:30 है और ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर बारिश के नेक्स्ट डे ठंड होती है। अभी कल को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। ये प्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ये ऑल द टाइम ऐसे ही आते जाते रहते हैं। सो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी 2-3 दिन पहले, आई वॉज चेकिंग दैट, वो शेयर नहीं की मैंने आपके साथ। वो ये है दैट यू कांट कंट्रोल अदर्स एक्शन, ऑल यू कैन कंट्रोल इज योर रिस्पॉन्स ऑन देयर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा किया, ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उस गुस्से का जवाब गुस्से से दें या हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएं कि उसने हमारे ऊपर गुस्सा क्यों किया। अगर हम पहला चूज करते हैं कि हम उसके गुस्से के साथ अपना रिएक्शन भी गुस्से के साथ दें, तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, फर्क क्या बचेगा, और हम अच्छे साउंड नहीं करेंगे, राइट। और अगर हम दूसरा वे चूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पहले कि उसने गुस्सा क्यों किया, कहीं सच में हमारी कोई गलती तो नहीं थी ना, तो रिश्ते बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात वो जो आपकी सेव हो सकती है और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, अगले 24 घंटे तक तो वही बात सोचना, ये बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। Think about that. आज थर्सडे है, 25th of November। कल शाम को हमने इस पेड़ पे काउंट किया था कि 15-16 पत्ते हैं। रात को बारिश आई थी, 2 पत्ते रह गए, सारे पत्ते उसके झड़ गए। आसमान में पता ही नहीं क्या चल रहा है, बारिश बारिश बारिश, और नीचे देखो कैसे होता है।